हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जयेश बामणिया। टुडे वी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इन अकाउंट्स, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो तो ये बोल सकते हो। रीज़न, क्योंकि अकाउंट्स में ड्यूअल इफेक्ट एंड ट्रांजैक्शन ये हर बार आने वाला है। और सेकेंडली है टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको ज़रूरी है जानना कि किस टाइप का अकाउंट है। तो इस चैप्टर में हम डिटेलिंग देखेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर का नाम फिर से एक बार रीड कर लो। क्या लिखा हुआ है? ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ड्यूअल इफेक्ट, ड्यूअल यानी कि दो। नॉर्मली हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट रहेगी, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। तो उसके लिए जानेंगे, लेकिन ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो पहले हम देख लेते हैं कौन से ट्रांजैक्शन आप लोगों को रिकॉर्ड करने हैं और वो ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे। तो पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस में ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है। अगर आप बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर, अभी मैंने बोला कि ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही आप लोगों को रिकॉर्ड करना है। एंड द सेकेंड वन इज, इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। येस, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिकल यानी कि उसे मनी ओरिएंटेड आप बोल सकते हो। तो थर्ड पॉइंट उसके बेसिस पर ही है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो लेकिन उसकी कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू आपको पहले से डिसाइड करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस में हम लोगों ने कोई एसेट परचेस की है, दैट इज़ इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। एसेट परचेस की है वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन भी है, लेकिन उसकी अमाउंट इम्पोर्टेंट है कि जो आप लोगों ने एसेट परचेस की है उसकी प्राइस क्या है, 50,000, 60,000, तो वो प्राइस मैटर करता है। इसीलिए इसमें बोला गया है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और क्रेडिट। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और क्रेडिट। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल। इंटरनल यानी कि वह बिजनेस में ही हो सकता है, विद इन अ बिजनेस लिमिट। तो हम कोई बिजनेस परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसेट परचेस की बिजनेस में, तो उसे हम बोलेंगे। लेकिन एक्सटर्नल यानी कि किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, तो बिजनेस में ही इंटरनल हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल, और थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हो तो एक्सटर्नल। इन पॉइंट्स से हमें थोड़ा बहुत मालूम तो हो जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी है, जिसको आप कैश और क्रेडिट फॉर्म में लिख सकते हो। वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसी के बेसिस पे एक डेफिनेशन है, या फिर आप मीनिंग भी बोल सकते हो। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस। यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। उस एक्सचेंज में आप पार्टली कैश पे करते हो, फुली कैश पे करते हो, या फिर पार्टली क्रेडिट या फिर फुली क्रेडिट, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन हो जैसे आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर सको तो उसे बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अभी मीनिंग में ही हम लोगों ने देख लिया कि ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो इसी के बेसिस पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन नॉर्मली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन का कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड भी करना है और उसको क्लासिफाई भी किया जा सकता है। क्लासिफाई कैसे कर सकते हो? तो क्लियर लिखा हुआ है, कैश और क्रेडिट में कर सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल में कर सकते हो। यस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेनली टू पार्ट्स, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। फर्दर इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन कैन बी डिवाइडेड इन
कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। थोड़ा बहुत डीप में देख लेते हैं दैट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो अभी हम लोगों ने बोला इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो आप कैश में कन्वर्ट कर पाओ या फिर मनी ओरिएंटेड हो, किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट और सर्विस को अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज में आप लोगों को कुछ पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट अभी कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। चलो तो अब देख लेते हैं दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म और कैश एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज टू बी मेड इमीजिएटली और इन फ्यूचर कॉल्ड इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। तो क्लियर लिख लिया है दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। इसका मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन कंपल्सरी मनी ओरिएंटेड होना चाहिए या फिर एक्सचेंज ऑफ कैश इज मेड इन फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में भी पेड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली तुरंत भी पे कर सकते हो उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर पाओगे। आप ये थियोरिकल देख लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन को नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। चलो उसके बाद थर्ड वन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। और मैंने अभी लिखा हुआ था कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, वो भी आप लिख सकते हो। इन शॉर्ट इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन को आप क्लासिफाइड कर पाओगे। लेकिन द सेकेंड वन नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन उसे आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी क्लासिफाइड। वहाँ प्रिंट मिस्टेक हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है लेकिन लास्ट वही है नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी क्लासिफाइड। द सेकेंड पॉइंट नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट द इम्पॉर्टेंट वन डेफिनेशन अ ट्रांजेक्शन विच हैज़ नो मोनिटरी वैल्यू और इन अ ट्रांजेक्शन वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व। अ ट्रांजेक्शन विच हैज़ नो मोनिटरी वैल्यू और इन ए ट्रांजेक्शन वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। क्लियर मीनिंग है कि जिसकी मोनिटरी वैल्यू नहीं है, जिसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो मनी ओरिएंटेड नहीं है या फिर आप बोल सकते हो नॉट इंक्लूडेड इन मनी वे, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसे आप क्लासीफाई नहीं कर सकते उस ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। तो आपको अपनी बुक में लिखना है चैप्टर नंबर सेकेंड में। ध्यान रखो अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू।